सभी क्षेत्रवासियों को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबके घर परिवार में खुशियां हो, रंगों की बहार हो, सुख शांति और समृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूं। और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब प्रेम और भाईचारे और सौहार्द के साथ होली का त्यौहार मनाएं आपस में। इस त्यौहार हमारा बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार है, इसकी संस्कृति को, इसकी परंपरा को बनाए रखें। किसी भी प्रकार की असुविधा, किसी भी प्रकार का कष्ट अपने साथी को, किसी मित्र को, किसी अड़ोसी पड़ोसी को ना हो, उसकी सुविधाओं का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा रंगों का त्यौहार है और ये सबको मिलाने का और सबको एकजुट करने का त्यौहार मनाया जाता है। और आज के दिन जो भी परिवारों में या समाज में थोड़ी बहुत लोगों की साल में कभी कहा सुनी हो जाती है, आज के दिन वो भी सब एकत्रित हो जाते हैं। और मैं सभी समाज में समाज वालों से और सभी क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करूँगा, आज होली का त्यौहार हर्षोल्लास और गर्मामयी उपस्थिति के साथ मनाए। और कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी को शारीरिक नुकसान हो। दोबारा होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। रेडी। मैं भजनपुरा कोऑपरेटिव और मंत्रेव टेंट कैडी सोसाइटी लिमिटेड के सभी सदस्यों का होली के शुभ पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये होली का पर्व हमें संदेश देता है कि हम अपने अंदर सद्गुणों का विकास करें और त्योहार को हंसी पूर्वक मेलजोल से मनाएं और जो भी एक दूसरे के अंदर द्वेष की भावना हुई हो, एक दूसरे से गले मिलकर उसकी क्षमा याचना करें और आपस में भाईचारा सद्भाव बनाए रखें। धन्यवाद। होली जैसे कि रंगों का त्यौहार है, आपसी भेदभाव दूर करके भाईचारे का त्यौहार है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। तो मेरी सभी अपने क्षेत्रवासियों को और भारतवासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्यार से आप होली मनाएं और सुखी रहें और आगे अपने जीवन में तरक्की करें, ये शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।